नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। चाहे कोई भी परीक्षा होती है, परीक्षा का नाम सुनते ही जहन में हलचल होने लगती है कि पढ़ाई करना। किसी किसी को तो एग्जामिनेशन फीवर भी हो जाता है, परीक्षा के समय बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। तो परीक्षा के नाम से पहली बात तो ये, किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्मल लाइफ में हो रहा है वही एक नॉर्मल लाइफ की तरह, वो भी एक शेड्यूल है, इसलिए परीक्षा के शब्द से कभी नहीं घबराना है। अब बात करते हैं परीक्षा की तैयारी करें कैसे। तो पढ़ने का जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा फेरबदल इस प्रकार करना होगा आपको कि रात के समय थोड़ा जल्दी सो जाए और सुबह थोड़ा जल्दी जागें। जल्दी जागने मतलब आप 3:30 बजे भी जाग सकते हैं, 4 बजे जाग सकते हैं, उसको थोड़ा जल्दी जागना बोलते हैं। और रात को 10 बजे के आसपास सो जाएं, 10 से पहले सो जाएं। लेकिन किसी किसी को अगर रात को देर तक पढ़ने की आदत है तो भी 11:30 बजे तक तो उसको सो जाना चाहिए ताकि सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़े। सुबह जो भी पढ़ेंगे वो जल्दी याद होता है और लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में रहता है। ये कुदरती है ऐसा, क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कहलाता है। शांत वातावरण रहता है और उसमें प्रकृति भी अपना खजाना लुटा रही होती है। इस समय अपन जो भी याद करते हैं कम मेहनत में अधिक याद हो जाता है। हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है, जब आप गणित सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, कैलकुलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो रात के समय कर सकते हैं। उस समय उस पढ़ाई को करने से आपको नींद नहीं आएगी और वो थोड़ा आपको उस समय सॉल्यूशन कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी है, मैथमेटिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स नहीं, वो अंग्रेजी है, विज्ञान है, SS है, वो सब सब्जेक्ट जो होते हैं वो आप मॉर्निंग के समय पढ़ें। परीक्षा के दिनों में खेल कूद का थोड़ा लेवल बनाए रखें, खेल कूद करते रहना चाहिए, उससे शरीर थोड़ा रोटेशन में रहेगा। लेकिन मोबाइल से, TV से दूर रहें। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे थोड़ी देर पढ़ाई की, अब थोड़ी देर बोरिंग हो रही तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगे या TV देखने लगेंगे कि थोड़ी देर देख लेते हैं, मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन वो उस समय क्या होता है कि पढ़ने के कारण ऑलरेडी आपकी आंखें तो थकी हुई है और आप मोबाइल देखने बैठ गए या TV देखने बैठ गए, सीरियल देख गए, तो फिर और आंखों पर लोड पड़ता है, तो आंखों पर और थकान महसूस है। इससे बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा घर से बाहर निकलें और थोड़ी देर ऐसे ही खेल कूद में समय बिताएं, तो आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी। क्योंकि लगातार बैठ के पढ़ते रहने से शरीर सुस्ताने लगता है और आंखों पे लोड पड़ने के कारण नींद आने लगती है, तो उसको भगाने के लिए आपको थोड़ा चलते फिरते रहना चाहिए। इस प्रकार का थोड़ा शरीर में ध्यान देना चाहिए। उसमें भोजन टाइम से कर लेवें और थोड़ा हल्का फुल्का भोजन करें टाइम से। परीक्षा की तैयारी में विशेष बात यह है कि आप पिछली परीक्षा में उस परीक्षा का पैटर्न क्या है। जैसे 10वीं 12वीं का तो ठीक है, पैटर्न फिक्स रहता है अधिकतर, वो पैटर्न पेपर भी मिल जाते हैं पुराने। लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम जो दूसरे होते हैं, अलग अलग परीक्षाएं होती है, अलग अलग नौकरियों की परीक्षाएं होती है, तो उसके एग्जाम के पैटर्न को समझ लेना चाहिए। उसके लिए हमारे बाजार में कुछ किताबें भी उपलब्ध रहती है, उसमें भी पैटर्न दिए रहते हैं, या कहीं कहीं से उसके पैटर्न का पता अवश्य कर लेना चाहिए। उस पैटर्न का पता करने से, उसका प्रैक्टिस करने से आपके लिए परीक्षा अच्छी हो जाएगी। और थोड़ा लिख कर याद करने का भी थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। और कभी किसी को ऐसा लगता हो मुझे तो, मैं पढ़ता हूँ लेकिन याद नहीं रहता, ऐसे कई लोगों की शिकायत होती है कि पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन याद ही नहीं रहता, उसके लिए थोड़े दूसरे प्रयोग करने के होते हैं। तो आपको एक प्रयोग मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और भी है। तो कान में उंगली डाल के इसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। कैसे करेंगे, इस प्रकार कम से कम 11 बार करना चाहिए। इसको करने में आपको 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन करने से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि माइंड के अंदर वाइब्रेशंस होता है नस नाड़ियों में, तो उससे आपकी याद शक्ति बढ़ेगी और बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने जो टिप्स बताए हैं अगर आप करते हैं तो आपको 100% परीक्षा में सफलता हासिल होगी। धन्यवाद।